अभी अभी खबर आ रही है कि विधायक जी को जान से मारने की धमकी दे रहे हैं, और ये जान से मारने की धमकी देने वाले कोई और नहीं है, इन्हीं के सर्किल में, इन्हीं के श्रेणी में कोई नजदीकी है जो इनको उल्टा जान से मारने की धमकी दे रही है। कहाँ तक सही है? इनके घर से बेटी भागी, इनका इज्जत मार्केट में उछल गया। जो लोग नहीं जानते थे पप्पू जी को, वो सभी जान गए कि इनकी बेटी ऐसी है, घर से भागी है, वो भी दलित परिवार के लड़के के साथ, और प्लस में उल्टा है इनको जान से मारने की धमकी दिया जा रहा है। यार हद है। ये 2-3 दिन पहले मीडिया वाले भी बहुत अपने कला निभाते हैं, छिपकली से भी ज्यादा रंग बदलते हैं। 2-4 दिन पहले सिर्फ साक्षी मिश्रा को हर न्यूज चैनल पे हेडिंग लगा हुआ था कि बीजेपी विधायक की बेटी घर से भागी है साक्षी मिश्रा, और हर न्यूज चैनल पे ब्रेकिंग न्यूज तो चलाया जा रहा था। लेकिन जब इनको जान से मारने की धमकी मिली तो कोई भी चैनल वाले अभी तक नहीं चलाया है कि पप्पू जी को जान से मारने की धमकी दे रहे हैं। और एक कोई मारने वाले ने गौरव सिंह अरमान जिनका नाम है, इन्होंने ही पप्पू जी को जान से मारने की धमकी दी है। यार ये चीज समझ में नहीं आता कि जिनकी बेटी घर से भागी है, उनका इज्जत गया, उनका बेटी गया, सब कुछ गया, शायद समाज में उनका पहले से जो इमेज था, उस बहुत सारा जो इमेज है बहुत डाउन हो गया। आप समझ सकते हैं कि ऐसा जिस पे बीतता है उनकी क्या गुजरता है। उनके भाई चैनल पे आकर इतना फुट फुट कर रो रहे थे, सिर्फ देखने वालों को भी आंख से आंसू आ जा रहे थे। और बात रही यहाँ मीडिया वालों की, यार ये खासकर अंजना मुकश्यप जो इतने अच्छे से इंटरव्यू ले रहे थे अजितेश का और साक्षी का, अब कहाँ गया आपकी वो मीडिया वाली बातें, और कहाँ गई आपकी एंकरिंग? आप भी ये भी तो दिखा सकते हैं कि पप्पू जी को जान से मारने की धमकी दिया जा रहा है। आप तो कभी भी कहीं भी अब कभी भी नोट भी नहीं लगाया है कि विधायक जी को जान से मारने की धमकी मिली है। यार हद है। जब आपको टीआरपी मिलती है, टीआरपी मिलती है तो वीडियो चलाए जाते हैं, ऐड चलाए जाते हैं, इनको साक्षी मिश्रा घर से फरार हुई, लव स्टोरी यहाँ थी है, लव स्टोरी में विलेन बने उनके पापा, उनके भाई, क्या क्या सब कुछ दिखा रहे थे। लेकिन जब इनको जान से मारने की धमकी मिली है तो आप कहीं भी आप अपने कुछ गुण जो आपके अंदर में टैलेंट भरा हुआ है एंकरिंग का, आप कहीं नहीं कर रहे। क्या हद है कि क्या करना चाहिए नहीं करना चाहिए। यार आप मीडिया वाले हो, सच्चाई दिखाते हो, कोई सा भी न्यूज हो, छोटा न्यूज हो, बड़ा न्यूज हो, आपको दिखाना चाहिए, लेकिन आप यहाँ कुछ नहीं कर रहे हैं। और उल्टा इनकी घर से बेटी भागी है, जान से मारने की धमकी मिली है, फिर भी आप कुछ नहीं कर रहे हो। आप पे लानत है ऐसे मीडिया वाले, ऐसे ऐसे चैनल वाले पे। यार कुछ करो कि उनकी बेटी भागी, क्या हुई उनकी। सबसे पहले तो मैं साक्षी का सबसे 100% गलती है साक्षी में, कि आप प्लस में उनकी घर से भागी हो, पापा और भाई का इज्जत समाज में उछाल रही हो, और प्लस में शायद मुझे लगता है कि आपको ज्यादा पब्लिसिटी चाहिए था, आपको फेमस होना था, इसीलिए हर चैनल पे जाके, बड़े बड़े चैनल, NDTV, बहुत सारे, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, आप खुद देखे होइएगा कि साक्षी मिश्रा किसके चैनल पर गए हैं और क्या क्या बोले हैं, और किस तरह से इसमें एंकरिंग एंकर लोगों ने इनका इंटरव्यू किया है, और बड़े जोर शोर से इनका लग रहा था कोई नया प्रोडक्ट मार्केट में लॉन्च हुआ, उस तरह से इसका प्रचार हो रहा था, तो इन लोगों ने बहुत अच्छा सा इंटरव्यू लिया था। लेकिन जब इनको जान से मारने की धमकी मिली तो कोई दिखाई नहीं रहा। अब पता चलता है कि इस पूरे रवैये में, यानी कि लव कंट्रोवर्सी में, शायद लोग तो कह रहे हैं कि लव का विलेन इनके पापा है, लेकिन इसमें उल्टा ही धमकी इनके पापा को मिल रहा है, क्यों मुझे पता नहीं। शायद आप लोग को पता हो तो कमेंट करके बताइएगा कहाँ तक सही था और किनको धमकी मिल रहा है, किसको क्या होने चाहिए। इसमें 5 लोग शामिल हो गए हैं, साक्षी मिश्रा, अजितेश, पप्पू जी जो विधायक हैं, 4th उनके भाई साक्षी मिश्रा का, और 5वां शामिल है गौरव सिंह अरमान जो इनको जान से मारने की धमकी दे रहे हैं। तो चलिए इसी खबरों के साथ मैं वीडियो को समाप्त करता हूँ, और सतर्क रहिए, समाज को साफ सुथरा रखें। जय हिंद।